9019 के साथ बुक करते हुए। दोस्तों, कराची गेट आके सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ से बाहर निकलना और कुली हजरात से रेटों पे बहस करना। अब ये थोड़े से सामान गए, मेरा सामान आगे एक बंदा लेके जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर लेके जाने के 1000 रुपये मांग रहे थे। चैनल का नाम लिखे, ट्रेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर आपने कहीं पहले मुझे देखा होगा। तो एक आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस पर है कि जब कराची कैंट रेलवे स्टेशन गाड़ी पहुँचती है तो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है हमारे मुसाफिरों को। तो जैसा कि मैंने भी फेस किया, तो सोचा ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं शेयर करूं कि किस तरह से हम कराची कैंट पहुंचते हैं बड़ा रुक रुक के। उसके बाद जब कराची कैंट पहुंचते हैं तो वहां पे जो कराची कैंट से निकलने का क्या सीन होता है, तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, मैं भी इसमें परेशान हुआ। और अगर कोई बड़ी फैमिली आ जाए बड़े सामान के साथ, उनके साथ क्या होता है, तो छोटा सा ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इंशाल्लाह। सो फ्रेंड, मेरे सामने इस वक्त आ रही है 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस, जो इस वक्त 5:17 लेट है और 2 बजे पहुँच रही है कराची के रेलवे स्टेशन पे। तो उसको हम कैप्चर करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा वजीद ऊपर। तो ये कुछ पुरानी पोसीदा सीढ़ियाँ कह सकते हैं यहाँ की, जो ऊपर का फ्लाई ओवर है पहले चलने वाले के लिए। और ये हमारे सामने से आ रही है 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स, 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है 5:17 लेट, 2 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। इस वक्त धुन की वजह से काफ़ी ट्रेनें लेट हो रही हैं। जी 49019 के साथ बुक करते हुए। ये ब्रेक भी लग चुकी है, आप शायद देख सकते हैं कि कोचेस किस तरह से जो है वो मूव कर रही हैं। फाइनली ट्रेन भी हमारी कराची कैंट पहुंच चुकी है, सामने शंटिंग जा रही है हमारी, और हमारी ट्रेन नहीं आ रही, एक नंबर पर ही जा रहे हैं। बहुत गलत बात है, एक नंबर जब खाली कर दिया तो लेके जाना चाहिए एक नंबर को, एक नंबर को क्यों नहीं लेके गए। रहमान बाबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैयार है पेशावर जाने के लिए कराची कैंट से।
दोस्तों कराची गेट आके सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ से बाहर निकलना और कुली हजरात से रेटों पे बहस करना। अब ये थोड़े से सामान के मेरा सामान आगे एक बंदा लेके जा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर लेके जाने के 1000 रुपये मांग रहे थे। तो उनसे गुजारिश है मुनासिब पैसे मांगा करें, नाजायज़ ना किया करें। नहीं ये करनी है बात, सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स और नई वीडियो नई लोकेशन के साथ। अपना बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद रखें। अल्लाह हाफिज़।